Hey guys, hope you're doing really well. My name is Rajat and welcome back to my channel, The Formal Cut. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बी एड ग्रोथ की. अब बी एड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके ओवरऑल एस्थेटिक्स का. बी एड ना सिर्फ आपको हेल्प करता है मैनली लगने में, बट जो भी आपकी इम्परफेक्शंस होती हैं उसको भी काफ़ी ईजिली हाइड कर लेता है. जैसे गर्ल्स यूज़ करती है अपना मेकअप अपनी ओवरऑल लुक को बेटर करने में और अपने लुक को एक्सेंचुएट करने में, उसी तरीके से हैविंग अ बियर्ड कैन डेफिनेटली हेल्प यू लुक बेटर. बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने काफ़ी लोगों को, स्पेशली टीनेजर्स को, काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है. बट डोंट यू वरी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके जेनेटिक्स वीक हैं तो क्या आपकी बियर्ड आएगी, क्या एक बियर्ड ऑयल हेल्प करता है आपको बियर्ड ग्रोथ में, और अगर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए जो आपकी बियर्ड ग्रोथ को रोक रहा है. तो आइए शुरू करते हैं. बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं मेंस फैशन, मेंस ग्रूमिंग और फिटनेस की वीडियोस लाता रहूंगा आपके सामने. और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, दैट इज @theformalcut. सो नाउ हैव यू मेड दैट क्लियर, नाउ लेट्स गो. यार, अब मैं सबसे पहले सबसे ऑब्वियस और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्रेस कर देना चाहता हूँ, और वो है आपके जेनेटिक्स. तो यार, अब आपके जेनेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपकी दाढ़ी आएगी या आपकी दाढ़ी नहीं आएगी, क्या आपकी दाढ़ी थिक होगी या थिन होगी, इट मेजरली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स. बट मैं ये मानता हूँ कि आपकी बियर्ड एंटायरली जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है. आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेंगी. तो गाइस, आपकी बियर्ड पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टेस्टोस्टेरोन का, बिसाइड्स योर जेनेटिक्स. नाउ आई एम श्योर आपने टेस्टोस्टेरोन के बारे में सुना होगा. ये एक मेल में प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है, और इसको आपने पहले बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा. बट ये मसल डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं है एक मेल में, इसका काफी इम्पैक्ट होता है आपकी बियर्ड ग्रोथ पे भी. तो आपके लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन काफी इम्पैक्ट करते हैं कि आपकी बियर्ड कैसी होगी या होगी भी या नहीं होगी. तो गाइस, अगर किसी के टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो उसकी काफी हैवी बियर्ड आएगी और काफी अच्छी बियर्ड आएगी, और अगर किसी के टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो उसकी काफी स्लो बियर्ड ग्रोथ होगी या फिर ना के बराबर. तो जैसे आप प्यूबर्टी हिट करते हो या फिर आपकी टीनेज शुरू होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 13 या 14 के होते हो, वैसे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है. और गाइस, जैसा मैंने बोला आपको, ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन काफी इन्फ्लुएंस करता है आपकी बियर्ड ग्रोथ को, बट जेनेटिक्स फिर भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करती है आपकी बियर्ड ग्रोथ में. तो फॉर एग्जांपल अगर दो इंसान है ए एंड बी, और दोनों के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सेम है, बट जेनेटिक्स डिफरेंट है, ए के जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और बी के जेनेटिक्स वीक है, तो जो ए की बियर्ड ग्रोथ है वो काफी जल्दी होगी और काफी अच्छी होगी. बट जहां पर बी के, क्योंकि जेनेटिक्स वीक है, तो उसकी बियर्ड काफी स्लो भी हो सकती है और काफी लेट भी आ सकती है, इवन दो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल सेम है ए के मुकाबले. सो इन द एंड आपके जेनेटिक्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, इवन दो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल सेम भी हो सकते हैं या काफी अच्छे भी हो सकते हैं. तो यार देखो, जेनेटिक्स पे हमारा कंट्रोल होता नहीं है, तो क्वेश्चन आता है कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और उसका सिंपल सा सोल्यूशन है अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर. सो स्टार्ट बाय हैविंग अ प्रॉपर स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours. और वो क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है जब आप सो रहे होते हो, और उसी टाइम हमारी बॉडी भी रिकवर कर रही होती है, और जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो भी उसी टाइम होती है. तो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी आपकी बियर्ड ग्रोथ को और ओवरऑल डेवलपमेंट को. तो स्टार्ट बाय टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours. तो गाइस, जो नेक्स्ट चीज आप कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, वो है अपनी डाइट के ऊपर काम करना. तो आपको समझना पड़ेगा कि आप वैसे भी जो पूरे दिन खाते हो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इट ऑटोमेटिकली मेक सेंस कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो आपकी बियर्ड ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा. तो वहां पर आप अपनी न्यूट्रिशन पर वर्क करें, आप अपनी डाइट पर वर्क करें, बट यहां पर आप कुछ ऐसी फूड आइटम्स ऐड कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा आपके जो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन है उसको इंक्रीज करने में. आइटम्स लाइक एग्स, नट्स, आलमंड्स, गार्लिक, बनाना और बहुत सारी चीजें हैं जो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या यूट्यूब पे, जो आपको काफी एक प्रॉपर गाइड प्रोवाइड कर देगी कौन से फूड आइटम्स ऐड करने चाहिए. एंड गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये चीजें ऐड करोगे ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपकी बियर्ड ग्रोथ में. तो गाइस, तीसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस कम करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन से. तो आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं वो अपने बाल जल्दी खो देते हैं और जल्दी बोल्ड हो जाते हैं. तो आपको मेक श्योर करना है कि अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे लेके आना है. तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू स्टार्ट मेडिटेटिंग. 10-15 मिनट मेडिटेट करना शुरू करें हर दिन, वो आपको काफी इंपैक्ट करेगा आपकी ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाने में. और बेस्ट ये रहेगा कि जब आप अपना दिन शुरू कर रहे हो
तब आप वो मेडिटेशन करें, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मेक श्योर करेगा कि आपका बाकी दिन भी अच्छा ही जाए। तो गाइस नेक्स्ट चीज आपको शुरू करना है एक्सरसाइज करना या किसी टाइप की भी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हम में से काफी लोग खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम या तो नेटफ्लिक्स पे रहते हैं या अपने फोन पे पूरे टाइम, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं करते। तो आपको उस चीज को कंट्रोल करना है और आपको शुरू करना है वर्कआउट करना। तो अगर आप वर्कआउट के लिए जिम में जाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं कंपाउंड लिफ्ट से। आपकी बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, ये काफी इफेक्टिव हैं आपके लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में, और स्पेशली आपके लेग्स वर्कआउट। तो प्लीज अपने लेग्स वर्कआउट को मिस मत करना, क्योंकि ना सिर्फ वो आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बट इनडायरेक्टली वो आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इनकेस अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं रनिंग से और जॉगिंग से, क्योंकि वो भी काफी इफेक्टिव है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करने में। तो स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। और गाइस ये सारी चीजें तो होगी जो आपको करनी है अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने में और इन दी एंड आपकी बियर्ड ग्रोथ में। बट अब वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपनी बियर्ड के साथ, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए। तो गाइस पहली चीज पे आते हैं, आपको अपनी स्किन हेल्दी रखनी है। तो आपको समझना होगा जो हमारी बियर्ड होती है उसके अंडर भी हमारी स्किन ही होती है, तो उसको हेल्दी रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेक श्योर करना है कि उसमें डैंड्रफ ना हो, ज्यादा इचिंग ना हो या फ्लेक्स ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा इचिंग होगी तो हम उसको खुजलाएंगे तो उससे बाल टूट सकते हैं, तो इन अ वे वो नेगेटिव इंपैक्ट है हमारी बियर्ड ग्रोथ पे। तो आपको मेक श्योर करना है अपनी स्किन को हेल्दी रखना है। और गाइस अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और कहीं से स्टार्ट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पानी पीना ज्यादा शुरू करें, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करोगे तो ओवरऑल आपकी स्किन काफी हेल्दी रहेगी। तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखना। तो गाइस नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तो आपका एक बियर्ड केयर रिजीम होना चाहिए, जैसे आपका बाकी फेस के लिए होता है, आपकी बाकी स्किन के लिए होता है, वैसे आपको अपनी बियर्ड का भी ध्यान रखना है। तो इस रूटीन में आपको अपनी बियर्ड पे बियर्ड ऑयल अप्लाई करना है, जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और काफी शाइन प्रोवाइड करेगा, जो मेक श्योर करेगा कि आपकी बियर्ड में डेंड्रफ ना हो और इचिंग ना हो। बट गाइस आपको मेक श्योर करना है जो आपका बियर्ड के रिजीम है वो ज्यादा हार्श ना हो। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा बियर्ड ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ज्यादा बियर्ड वॉश कर रहे हो, तो ऐसा ना हो, क्योंकि वो हो सकता है कि आपकी स्किन को सूट ना करे और बाकी स्किन प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करे। आपको वो नहीं करना, आपको वो नहीं चाहिए। सो मेक श्योर आपका बेसिक और एक डेलिकेट बियर्ड केयर रिजीम हो जो आप फॉलो कर सकें एवरी डे, और वो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी बियर्ड ग्रोथ में। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी सारे लोग औरों की बात सुन के इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं और गलती करते हैं, और ये पॉइंट है लेट योर बियर्ड ग्रो फॉर एटलीस्ट 35 to 45 days। और गाइस सबसे पहले तो मैं एक मिथ दूर कर देता हूँ जो मैंने सुना है काफी लोगों से, और आई एम श्योर आपने भी सुना होगा काफी लोगों से, और वो ये है कि आप रेजर से अपनी जो बियर्ड है उसको शेव कर लोगे तो आपकी बियर्ड ग्रो जल्दी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, आपके बाल हार्ड जरूर हो सकते हैं बट ग्रोथ से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बिल्कुल फॉलो ना करें। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने बालों को बड़ा ही नहीं होने देंगे तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? अगर आप बार बार शेव करते रहेंगे तो इट डजंट मेक सेंस ना, आपकी जो बियर्ड ग्रोथ वो तो कभी होगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है गाइस, अपनी बियर्ड को छोड़ देना है, उसको बड़े होते रहने देना है फॉर एटलीस्ट 35 to 45 days। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको 45 days के बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपनी बियर्ड के बारे में, क्या वो वेवी है, क्या उसमें पैचेस हैं, क्या वो थिन है, क्या वो थिक है। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इतने दिनों के बाद ही हो पाएगी, तो उसी के बाद आप प्रॉपरली बियर्ड ट्रिम ले सकते हैं अपने बियर्ड के अकॉर्डिंग। तो मेक श्योर कि आप उसको बड़ा होने दीजिए और आप कटवाएं ना बार बार। और गाइस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बियर्ड ना कटवा के तो आपकी बियर्ड ग्रोथ होगी ना, आप बार बार शेव करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका कोई सेंस भी नहीं है कि आपकी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेगा वो। और गाइस मैं ये भी समझता हूँ कि सबके साथ जब वो बियर्ड ग्रो कर रहे होते हैं तो एक वो ऑकवर्ड स्टेज आती है जहाँ पर उनकी जो बियर्ड है वो अच्छी नहीं लग रही होती, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड होती है, और आप चाहते हो कि उसी टाइम शेव कर दो। पर ऐसा मत करना, जस्ट लेट इट ग्रो, बस थोड़े टाइम की बात है, आप उस पर ध्यान ना दो, और आप देखोगे कि एक टाइम के बाद आपकी बियर्ड काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगी, जो आप लेंथ चाहते हो वो भी आप अचीव कर पा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप उसको टाइम दीजिए और उसको कटवाए ना, और वही बेस्ट तरीका है अपनी बियर्ड ग्रोथ को चेक करने का, किस तरीके से वो ग्रो होती है और कितनी जल्दी वो ग्रो होती है। और गाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक लास्ट पॉइंट मैं एड्रेस कर देता हूँ, और वो है बियर्ड ऑयल्स के बारे में। अब गाइज काफ़ी सारे लोग आपको कहते होंगे कि आप बियर्ड ऑयल अप्लाई कर लीजिए और उससे आपकी बियर्ड ग्रोथ जल्दी हो जाएगी विद इन 1 month, और ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। इसके बारे में मैंने पढ़ा और मैंने खुद भी अप्लाई करा है, इट डजंट हेल्प यू विद द ग्रोथ। इसका बस सिंपल सा पर्पस होता है एक नरिशमेंट प्रोवाइड करना और एक शाइन प्रोवाइड करना, हाँ, बट इनडायरेक्टली वो आपके स्किन को हेल्दी रखता है, जो कि आपको हेल्प कर सकती है एक बेटर ग्रोथ के लिए। तो इनडायरेक्टली इट डज हेल्प यू, बट उसका जो प्राइमरी पर्पस है वो हेयर ग्रोथ नहीं होता कभी भी। बट अगर आपको शाइन और एक नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है अपनी बियर्ड को तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बियर्ड ऑयल। एंड दैट्स ऑल गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहता था बियर्ड के बारे में और कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता था लोगों के व्हेन इट कम्स टू बियर्ड। और आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपको हेल्प करा होगा, और अगर किसी वे में भी अगर ये हेल्प करती आपको तो मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना। और गाइज
मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास दो मिनट लगने हैं और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जहाँ जो आपको हेल्प करेंगी व्हेन इट कम्स टू मेंस फैशन और मेंस ग्रूमिंग में। तो गाइस हाँ, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और लाइक बटन भी हिट कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को देखना चाहें और जो इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। एंड दैट्स ऑल गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।